दोस्तों, कानों के पर्दे फटे होना कोई अनयूजुअल प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी कॉमन लोगों को देखा गया है कि कान के पर्दे फटे रहते हैं। अब ये ट्रीटेबल प्रॉब्लम है, इसको लेके बैठना भी ठीक नहीं है, क्योंकि बार बार इन्फेक्शन होता है, डिस्चार्ज होता है, हियरिंग लॉस रहता है और इसको ठीक कराना चाहिए। अब इसको ठीक कराने के तरीके जो है वो सर्जिकल ही है प्राइमरीली, और इस सर्जरी को हम मारिंगोप्लास्टी या टिम्पेनोप्लास्टी बोलते हैं। ये सेंटर ईयर सर्जरी के लिए एक स्पेशलिस्ट सेंटर है और यहाँ पर हर किस्म की ईयर सर्जरी की जाती है। थोड़ी सी बात टिम्पेनोप्लास्टी सर्जरी पे करते हैं। इस सर्जरी में कान के अंदर का पर्दा जो है वो रिप्लेस किया जाता है। ये किसी आर्टिफिशियल मटेरियल से नहीं, कान पेशेंट के अपने मास्क को ही कान के पास से वो मास्क को ही वहाँ लगा के पैच किया जाता है और वो पैच जो होता है वो अल्टीमेटली हील हो जाता है। ये सर्जरी प्राइमरीली जनरल एनेस्थीसिया में की जाती है ताकि पेशेंट को कोई डिस्कम्फर्ट ना हो, कोई पेन ना हो, लेकिन काफ़ी सेंटर्स में या काफ़ी पेशेंट्स को लोकल एनेस्थीसिया मतलब सुन करके भी किया जाता है, जिससे कि पेशेंट को पता चलता रहता है कुछ हो रहा है, आवाज़ें भी आती हैं लेकिन पेन बहुत कम या नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। इस सर्जरी में एक कट भी लगाया जाता है, काफ़ी रूटीनली कट या तो पीछे लगता है जो कि बाद में बिल्कुल दिखता नहीं है, या को या कान के अंदर से किया जाता है जो भी बिल्कुल दिखता नहीं है। तो कॉस्मेटिकली भी ये प्रोसीजर जो है काफ़ी ठीक रहता है, क्योंकि इसमें इंसिजन दिखने का चांस या स्कार दिखने का चांस काफ़ी कम रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब इस सर्जरी के बाद प्रिकॉशंस होता है, कान के ऊपर ड्रेसिंग होता है, 7-8 दिन ड्रेसिंग होता है। ड्रेसिंग के बाद सूचर्स जो टांके 2-4 होते हैं लगे हुए वो निकाले जाते हैं और पेशेंट धीरे धीरे कम्प्लीटली ठीक होने में 3-4 हफ्ते लगते हैं। कुछ पेशेंट सबसेट्स जो कि बहुत माइनर सबसेट है, ताकि जैसे कि 2%, 3% पेशेंट्स में ग्राफ्ट जो हम लगाते हैं, जो पर्दा हम लगाते हैं लेके, वो जुड़ता नहीं है और उसको हम बोलते हैं फेल्ड टिम्पेनोप्लास्टी, वो उसमें फेलियर होता है। उसमें प्राइमरीली पेशेंट फैक्टर होता है, कुछ हद तक सर्जन फैक्टर भी होता है, लेकिन प्राइमरीली पेशेंट की हीलिंग प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम हो इसीलिए होता है, या पेशेंट को नाक में प्रॉब्लम हो या जुकाम बहुत लगता हो, या ड्यूरिंग सर्जरी या ड्यूरिंग रिकवरी भी कोई प्रॉब्लम हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए या जुकाम हो जाए, तो हो सकता है इनको पर्दा जो इनका लगाया जाता है या ग्राफ्ट जो लगाया जाता है वो हील ना हो। इस केस में पेशेंट्स का रिवीजन सर्जरी किया जाता है, दोबारा किया जाता है, लेकिन आफ्टर 6-8 महीने वेट किया जाता है, साल भी वेट किया जा सकता है, और वो जब कान बिल्कुल पुराना सर्जरी हील हो जाता है फिर ये दोबारा से किया जाता है। एक कॉम्प्लिकेशन और इस सर्जरी में हो सकती है जो कि माइनर रहती है, वो ये है कि आपकी हेयरिंग लॉस शायद इम्प्रूव ना हो। वो सिर्फ 2-4% पेशेंट्स में होता है, बाकी प्राइमरीली अगर खाली पर्दे में प्रॉब्लम हो और पर्दा जुड़ जाए तो हेयरिंग भी रिस्टोर हो जाता है, जैसे कि प्रीवियस बिफोर द डिजीज हेयरिंग होता है उतना हो जाता है। कुछ पेशेंट्स में हेयरिंग बोन्स का प्रॉब्लम होता है, जो कि पर्दा फटने के अलावा प्रॉब्लम होता है, जो कि हम सडनली अंदर डिस्कवर करते हैं। उस केसेस में कुछ सर्जन्स, जैसे हम लोग प्राइमरीली उस हड्डी को भी रिपेयर करते हैं ताकि हेयरिंग रिस्टोरेशन हो जाए, लेकिन कुछ सर्जन फर्स्ट सिटिंग में हड्डी को कुछ नहीं करते हैं, फर्स्ट सिटिंग में सिर्फ ड्रम रिप्लेस करते हैं, जिससे कि आपकी हियरिंग उतनी ही रहती जितनी सर्जरी से पहले थी, लेकिन ड्रम रिपेयर हो जाता है, फिर सेकंड स्टेज में हियरिंग रिकंस्ट्रक्शन की जाती है। ये कॉम्प्लिकेशंस जो है ये मोटी मोटी 1-2 कॉम्प्लिकेशंस ही होती हैं, बाकी जनरल एनेस्थीसिया की जो रूटीन कॉम्प्लिकेशंस हैं, एक नींद रहना, थोड़ा बहुत वोमिटिंग, 1-2 घंटे या 1 दिन या ऐसे, इस तरह की प्रॉब्लम्स तो रूटीनली है, वो सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन नहीं, वो एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशन होती है। ये सारे पेशेंट धीरे धीरे 3-4 हफ्ते में पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। ये सारे अपनी नॉर्मल एक्टिविटी हफ्ते के बाद जब पट्टी उतरती है तो रिज्यूम कर सकते हैं। इनको डेली रूटीन लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ पानी नहीं जाना चाहिए कान के अंदर सर्जरी के बाद, ये 1 महीना प्रिकॉशन होता है, उसके बाद कोई प्रिकॉशन भी नहीं है। हमारा सेंटर इस सर्जरी के लिए स्पेशलिस्ट सेंटर है,
इसलिए किसी को भी जो पर्दे में प्रॉब्लम हो या रिपेयर करना है या रिपेयर कराने का मन हो तो हमारे सेक्टर में आप आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लगता है इस वीडियो से किसी का फायदा हो सकता है तो शेयर जरूर करें और यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।